व्हाट्सअप गाइज दिस इज दीपक वेलकम टू द लेसन नंबर थर्टी टू ऑफ फेसबुक ऐप्स पिछले लेक्चर में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है कि ऑडियंस रिसर्च कैसे करते हैं राइट ऑडियंस रिसर्च कैसे करना है एंड देन उसके बेस पे आपको ऑडियंस टारगेटिंग करनी है राइट एंड हमने फेसबुक स्ट्रेटजी के बारे में भी बात कर लिया है हमने उस स्ट्रेटजी के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है कि किसी भी सर्विस को या फिर किसी भी प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हो यूजिंग फेसबुक एड्स राइट एंड आज के वीडियो में हम फेसबुक स्ट्रेटजी के ही बारे में बात करेंगे एंड स्पेशली उन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे राइट right? उन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसके थ्रू आप ई e कॉमर्स के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो यूजिंग फेसबुक एड्स राइट आप ई e कॉमर्स के प्रोडक्ट को कैसे सेल करोगे यूजिंग फेसबुक एड्स राइट एंड जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो राइट right? जब भी आप ई कॉमर्स बिजनेस रन कर रहे हो या फिर ई कॉमर्स प्रोडक्ट को यूजिंग फेसबुक एड्स सेल करना चाह रहे हो ओके okay? तो आपको एक चीज ध्यान में रखना है राइट right? एंड वो चीज है लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू ओके लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं राइट तो सबसे पहले समझते लाइफ टाइम वैल्यू क्या होता है अब कोई भी कस्टमर किसी बिजनेसमैन से अगर प्रोडक्ट ले रहा है या फिर सर्विस ले रहा है राइट तो वो कस्टमर अपनी पूरी लाइफ में या फिर जितने दिनों तक वो कस्टमर किसी बिजनेसमैन से प्रोडक्ट ले रहा है या फिर सर्विस ले रहा है तो वो बिजनेसमैन उस कस्टमर से कितना बिजनेस करेगा वो जो कस्टमर है वो उस बिजनेसमैन को ओके okay, कितने रेवेन्यू देगा राइट right, पूरे लाइफ में अब समझते हैं कि लाइफ टाइम वैल्यू एक्चुअली होती क्या है राइट इन डिटेल ओके तो स्टार्ट करते हैं तो अभी देखते हैं यहां पे यहां पे ये है होम राइट right, एंड ये जो आपको दिख रहा है ये इस होम का ओनर है राइट right? एंड ये एक कैंटीन है राइट right? एंड ये है एक बिजनेसमैन इस कैंटीन का ओनर राइट right? नाउ अब क्या है सपोज करो ये जो कस्टमर है राइट right? ये एक कस्टमर है इस बिजनेसमैन के लिए राइट right? क्योंकि ये जो कस्टमर है राइट right? ये जो आदमी है इस बिजनेसमैन से मिल्क की सर्विस लेता है अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो कस्टमर है ओके ये जो कस्टमर है इससे इस, इस बिजनेसमैन से मिल्क लेता है तो आगे ये जो कस्टमर है क्या दूसरे बिजनेसमैन से मिल्क लेगा या फिर इसी बिजनेसमैन से मिल्क लेगा इसी बिजनेसमैन से मिल्क लेगा राइट एंड मिल्क फोर्टी रुपीज का लेता है राइट right? सपोज करो इस कस्टमर ने एक महीने तक इस बिजनेसमैन से मिल्क लिया एक महीने में कितने का बिजनेस किया इस बिजनेसमैन ने इस कस्टमर से एक महीने में कितने का बिजनेस किया वन थाउजेंड टू हंड्रेड का बिजनेस इस कस्टमर ने इसे दिया इस बिजनेसमैन को दिया राइट वन थाउजेंड टू हंड्रेड का बिजनेस इस बिजनेसमैन ने इस कस्टमर से किया राइट सपोज करो ये जो कस्टमर है एक साल तक इस बिजनेसमैन से दूध लेता है राइट right? अब ये जो बिजनेसमैन है एक साल में इस कस्टमर से कितने का बिजनेस करेगा फोर्टीन थाउजेंड का बिजनेस करेगा राइट एंड सपोज करो ये जो कस्टमर है पिछले पांच सालों से पिछले फाइव ईयर्स से इस बिजनेसमैन से दूध लेता आ रहा है राइट तो पिछले पांच सालों से अब तक इस बिजनेसमैन ने इस कस्टमर के साथ कितने का बिजनेस किया है सेवेंटी थाउजेंड का राइट अब यहाँ पे एक चीज़ समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है सी ये जो बिजनेसमैन है आपको अक्वायर करने के लिए राइट right? आपको अक्वायर करने के लिए फाइव थाउजेंड फाइव थाउजेंड रुपीज़ भी लगाता है तो इस बिजनेसमैन के लिए लॉस नहीं है क्यों लॉस नहीं है क्योंकि आपका लाइफ टाइम वैल्यू इस बिजनेसमैन को मिलेगा राइट right? आपकी लाइफ टाइम वैल्यू है सेवेंटी थाउजेंड रुपीज राइट right? आप सेवेंटी थाउजेंड रुपीज इस बिजनेसमैन को दे चुके हो राइट right? तो ये जो बिजनेसमैन है इसके लिए फाइव थाउजेंड दे करके आपको अक्वायर करना इसके लिए लॉस नहीं है राइट right? अगर कोई बिजनेसमैन है राइट right? वो अगर सोचता है कि हमारा प्रोडक्ट फोर्टी रुपीज का है राइट right? एंड किसी कस्टमर को अक्वायर करने के लिए वो सिर्फ ट्वेंटी रुपीज़ खर्च करना चाहता है राइट इसका मतलब ये हुआ कि उसे लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर नहीं मालूम है राइट अगर कोई बिजनेस मैन आपको अक्वायर करने के लिए सिर्फ टू थाउजेंड रुपीज खर्च कर रहा है राइट एंड आपकी लाइफ टाइम वैल्यू सेवेंटी थाउजेंड रुपीज राइट तो आपको अक्वायर नहीं कर सकता वो राइट कोई और बिजनेसमैन होगा या फिर कोई और कंपनी होगी जो आपको अक्वायर कर लेगी एंड उसे आपकी लाइफ टाइम वैल्यू मिलेगी राइट right? तो ये थी लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर आई होप इन चीजों को आप अच्छे से समझ गए होंगे राइट अब हम उन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं इसके बाद आप क्या करोगे इसके बाद आप इस स्ट्रैटजी का यूज़ करोगे राइट right? एंड uh, इस स्ट्रैटजी के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में भी बात कर लिया है राइट देन अब मैं इसे रिपीट करता हूँ ओके okay? आप इसके बाद इस स्ट्रैटी का यूज़ करोगे आप क्या करोगे स्टेप नंबर वन आप पेन प्रॉब्लम्स एंड डिजायर्स को अपने ऑडियंस के पेन प्रॉब्लम एंड डिजायर्स को फाइंड आउट करोगे राइट right? उसके बाद आपको क्या करना है स्टेप नंबर टू आपको ऑडियंस रिसर्च करने राइट right? आपको ऑडियंस रिसर्च करने ओके एंड ऑडियंस रिसर्च कैसे करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर थर्टी वन में बात कर लिया है राइट नाउ स्टेप नंबर थ्री आपको कंटेंट क्रिएट करने हैं right? राइट आपको कंटेंट क्रिएट करने हैं उस पेन प्रॉब्लम्स एंड डिजायर्स के अराउंड राइट स्टेप नंबर फोर आपको वीडियो व्यू राइट right? या फिर ट्रैफिक एड रन करने राइट right? आप वीडियो फ्यू एड रन करोगे या फिर ट्रैफिक एड रन करोगे ओके okay? अगर आप ट्रैफिक एड रन कर रहे हो ओके okay? अगर आप ट्रैफिक एड रन कर रहे हो तो आप सिंपल एक ब्लॉग लिखोगे अपने वेबसाइट पे राइट एंड देन उसके नीचे ब्लॉग आप लिखोगे अपने सर्विस या फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड ब्लॉग लिखोगे राइट एंड देन उसके नीचे आप लिंक दोगे जहां से आपका जो ऑडियंस है वो उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज कर सके राइट right? एंड अगर आप वीडियो व्यू एड रन कर आप उस वीडियो के नीचे लिंक डालोगे जहां से एक कॉल टू एक्शन बटन डालोगे जहां से आपके प्रोडक्ट या फिर सर्विस को आपका जो कस्टमर है राइट right? वो परचेज कर सके राइट स्टेप नंबर फाइव आपको कस्टम ऑडियंस बिल्ड करने है. राइट right? ये जो वीडियो व्यू आप रन करोगे एड राइट right? उसके बाद आपको कस्टम ऑडियंस बनाने हैं right? राइट अब कस्टम ऑडियंस आप किसका बनाओगे जिन लोगों ने आपकी वीडियो देखी है ओके okay? आप उसे अपना कस्टम ऑडियंस बनाओगे जिन लोगों ने आपके लैंडिंग पेज पे गया है राइट right? जिन लोगों ने भी आपके लैंडिंग पेज को विजिट किया है उसका आप कस्टम ऑडियंस बनाओगे जिन लोगों ने भी आपके प्रोडक्ट को एड टू कार्ट किया है आपके वेबसाइट पे जाके आप उसका कस्टम ऑडियंस बनाओगे राइट एंड फाइनली जिन लोगों ने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है उनका कस्टम ऑडियंस आपको बनाने राइट एंड स्टेप नंबर सिक्स आपको न्यू एड्स रन करने राइट right? आपको नया एड रन करना है एंड ये आप किसके लिए करोगे सी ये आप करोगे कस्टम ऑडियंस के लिए एंड कोल्ड ऑडियंस के लिए राइट कस्टम ऑडियंस के लिए आप आपने यहाँ पे ऑडियंस बनाया है सी आपने यहाँ पे कस्टम ऑडियंस सिर्फ बनाया है राइट एंड कस्टम ऑडियंस के बेसिस पे आप एड यहाँ स्टेप नंबर सिक्स में आप रन करोगे राइट दो एड रन करोगे आप एक कस्टम ऑडियंस के लिए एंड एक कोल्ड ऑडियंस के लिए ओके okay, एक ऐड रन करोगे आप वीडियो व्यू राइट बेस्ड ऑन कस्टम ऑडियंस एक ऐड रन करोगे आप जिन लोगों ने आपके लैंडिंग पेज को विजिट किया है बेस्ड ऑन कस्टम ऑडियंस राइट एंड एक एड आप रन करोगे जिन लोगों ने भी आपका एड टू कार्ट किया है आपके प्रोडक्ट को बेस्ड ऑन कस्टम ऑडियंस राइट एंड एक ऐड आप रन करोगे बेस्ड ऑन कस्टम ऑडियंस जिन लोगों ने आपकी प्रोडक्ट को परचेज किया है राइट right? एंड दूसरी एड आप यहां पे रन करोगे कोल्ड ऑडियंस कोल्ड ऑडियंस किसके बेसिस पे आप रन करोगे कोल्ड ऑडियंस बेस्ड ऑन ऑडियंस रिसर्च आपने जो ऑडियंस रिसर्च की थी उसके बेसिस पे आप कोल्ड ऑडियंस के लिए एड रन करोगे राइट right? तो ये था स्टेप नंबर सिक्स ओके एंड देन आप स्टेप नंबर सेवन आप और ज्यादा से ज्यादा कॉन्टेंट दिखाओगे अपने ऑडियंस को ताकि जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो सके राइट एंड फ्यूचर में और भी सारे प्रोडक्ट आप अपने ऑडियंस को सेल कर सको राइट right? तो आई होप ये सारी की सारी जो स्ट्रैटी है आपको समझ आ गया होगा इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू सो वेरी मच